हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। आई टुक बाथ, माय रूटीन इज कंप्लीट। नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम नाश्ता, मॉर्निंग वाटर। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, काफ़ी सारे नए लोग जुड़ गए हैं और सभी को थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और भी लोग जो आज नए हैं देख रहे हैं, सो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है वीडियो अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मेरी वीडियोज़ के ज़रिए जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिट है। सो यस, डू सब्सक्राइब, लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई। और अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। एंड चलिए, सोचती हूँ मैं आज क्या नाश्ता बनाऊँ। तो आज का ब्रेकफास्ट है ओट्स उपमा। तो उसके लिए मैंने सारे मिक्स वेजिटेबल्स लिए हैं, प्याज का तड़का दिया है, टमाटर ऐड करूँगी, ओट्स ऐड करूँगी। जैसे उपमा बनता है वैसे ही बना रही हूँ मैं इसे, बस हेल्दी रखने के लिए मिक्स्ड वेजिटेबल। सो ओट्स हैज़ वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। इट ऑल्सो रिच इन फाइबर, इट हेल्प्स टू लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड प्रमोट योर हार्ट हेल्थ। इट ऑल्सो हैज़ वेरियस असेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर डाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल एंड मेकिंग देम मोर न्यूट्रिशियस चॉइस फॉर ओवरऑल वेलबींग। सो आई वुड रिकमेंड दिस एज अ ब्रेकफस्ट अर्ली मॉर्निंग, लाइक बिफोर 9 AM। सो लेट्स हेड ऑन टू लंच। सो वॉट टाइप ऑफ लंच आई एम हैविंग टूडे? इट्स जस्ट पोटैटो एंड बीन पीस। या सो वैसे हिंदी में इसे सलोनी कहते हैं। तो ये आज का मेरा लंच है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 2 घंटे के बाद। हेलो, सो इट्स day 3। लेट्स गो विद द एक्सरसाइज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग विद मी। आप डेली मेरे साथ ही करो। हो सकता है आपको वीडियोस डेली ना मिले, हर ऑल्टरनेट डेज पे मिलेगी, जस्ट बिकॉज की डेली एडिटिंग प्रॉब्लम हो जाता है, लाइक बहुत सारे बाकी काम होते हैं जिसकी वजह से एडिटिंग नहीं हो पाती है। सो मैं एक दिन का टाइम लेती हूँ एंड देन आई जस्ट अपलोड इट इन द नेक्स्ट डे। सो यस, मैं जब जब अपलोड करूँ आप एटलीस्ट तब तब मेरे साथ एक्सरसाइज करो। यू विल डेफिनेटली फील गुड, यू विल गेट द रिजल्ट। एंड वन मोर थिंग गाइज, स्टार्ट करोगे तो एटलीस्ट 1 वीक तक तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपका लेग पेन होगा, स्ट्रेचिंग होगी आपकी बॉडी, तो थोड़ा सा स्लाइट पेन आपको तो होगा ही। सो आपने स्टार्ट किया और आपको पेन हो रहा है, आप नेक्स्ट डे फिर से पेन हो रहा है, थर्ड डे फिर से पेन हो रहा है, तो आप बंद कर दो, ऐसा मत करो। बिकॉज इट लास्ट फॉर 1 वीक, नॉट मोर देन दैट। एक हफ्ते आपको प्रॉब्लम होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद आप यूज टू हो जाओगे एक्सरसाइज के। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ टूडेज एक्सरसाइज। द मेन फोकस इज द बेली फैट। तो बेली फैट कम करने के लिए जितना हो सके आपका पेट जो है, आपका स्टमक जो है, वो स्ट्रेच होना चाहिए। तो जब आप पैर ऊपर लेते हो तो जितना हो सकता है वो ऊपर लो, जितना हो सकता है। ओके, स्टार्ट वंस अगेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 काउंट, 50 काउंट, जितना आप कंफर्टेबल हो आप कर सकते हो। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. नेक्स्ट इज, आप जैसे कोई सामान यहां से ले रहे हो यहां फेंक रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. आपको
ट्विस्ट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4. Eighteen, nineteen, twenty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. स्ट्रेचिंग करेंगे. ओके, स्ट्रेट अप, ब्रीद आउट. आपको ये टच करना है टोस, देन स्ट्रेच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट डाउन एंड टच. स्ट्रेट, स्ट्रेच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड टच. स्ट्रेट, स्ट्रेच, ब्रीद इन, डाउन एंड टच. स्ट्रेच, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टच. सो ये आपको 20 के काउंट करने हैं. सिट लाइक दिस एंड टच योर टोस. वेट फॉर 1 मिनट एंड रिलीज. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hand on your head and like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स फॉर 1 मिनट. ये सारी एक्सरसाइज आप सोते हुए भी कर सकते हो व्हाइल गोइंग ऑन बेड एट नाइट. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. अब आपको साइक्लिंग करनी है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 10 टेम के काउंट पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्लॉकवाइज हो गया. एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको होल्ड करना है फॉर 1 मिनट और 60 सेकेंड से स्टार्ट करो. जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हो इस पोजीशन को आप होल्ड करो. लेट्स बिगिन. आपको इस तरह से ये वाली पोजीशन आपको 1 मिनट तक होल्ड करनी है. सो या गाइज, आई एम डन विथ माई एक्सरसाइज. और ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये सारी एक्सरसाइज आप करो एंड देखना आपको इससे रिजल्ट मिलेगा. ये सारी एक्सरसाइज बहुत ही बेनिफिशियल है स्पेशली फॉर वेट लॉस एंड बेली फैट. बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है. आप करके देखो, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रेगुलर हो तो. रेगुलर मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ भी खाओ, जंक फूड खाओ, बाहर का खाओ और सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लो तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है. आपको डाइट भी प्रॉपर फॉलो करनी होगी बिकॉज विदाउट डाइट आप कुछ भी खाते जाओगे और एक्सरसाइज करोगे सो इट्स ऑफ नो यूज, बिकॉज सारी चीज़ें बैलेंस होना जरूरी है. तो जंक फूड मत खाओ, बाहर का बिल्कुल मत खाओ, ऑयली फूड मत खाओ, स्पाइसी मत खाओ ज़्यादा और पानी ज़्यादा पियो. ऐसा नहीं कि कभी ना खाओ, मैं खुद भी खाती हूँ, आपसे मैं खाना शेयर करती हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब सब कुछ खाऊं और उसके बाद भी मैं अपनी कैलोरीज बर्न करती हूँ तो इट्स गुड. और सारी चीज़ें बैलेंस में रखती हूँ तो यू कैन ईट एनीथिंग. तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ. बट येस, वन थिंग इज क्लियर कि मैं सारी चीज़ें घर बना के खाती हूँ, बाहर जाके नहीं खाती हूँ. यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बाहर ज़्यादा कुछ खास मिलता नहीं है इंडियन फूड, बट जो मिलता है वो हम डेफिनेटली खाते ही हैं. बट येस, वो कभी कभार हो जाता है, मंथ में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार ऐसा कुछ. बट सारी चीज़ें हम घर पे ही बना के खाते हैं. सो घर का खाना आप कुछ भी खा सकते हैं, बस ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, स्पाइसी ना हो, पानी ज़्यादा पियो और डेली एक एक्सरसाइज की रूटीन बना लो. मॉर्निंग में 1/2 आवर, इवनिंग में 1/2 आवर या दिन भर में आप 1/2 घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करो, वॉक करो. सो इस तरह से अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप वेट लॉस कर सकते हो और आपकी जो बेली फैट है वो भी कम हो सकती है. तो मैंने इसी तरह से वेट लॉस किया था. मेरा जो वेट था 75 हार्ट चैलेंज फर्स्ट जो मैंने लिया था उस वक्त मेरा वेट 55 केजी था. सो राइट नाउ इट्स 50
5 kg कम हुआ है और मुझे ज्यादा कम भी नहीं करना था, मुझे शुरू से ही बेली फैट कम करना था, वेट लॉस नहीं करना था, बट स्टिल अगर आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, प्रॉपर सारी चीजें फॉलो करते हो तो वेट लॉस हो ही जाता है। सो इस तरह से मैंने 5 kg घटाया है और थोड़ा बेली फैट कम किया है। अब ये वाला जो 75 है इसमें तो मेरी पूरी कोशिश है कि वेट मेरा कम ना हो बट बेली फैट जरूर कम हो। सो इसलिए यस, अगर आप भी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे साथ साथ जब भी मैं वीडियो डालती हूँ और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है, ऑन दैट स्पॉट आप भी एक्सरसाइज मेरे साथ शुरू कर दो। और अगर आपने तुरंत खाना खाया है, आप नहीं कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज कर दो और 2 घंटे के बाद वीडियो फिर से स्टार्ट करो और मेरे साथ एक्सरसाइज करो। सो इस तरह से आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है। जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं, आपकी लाइक मिलती है, आपकी सब्सक्रिप्शन मिलती है, आप सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो इस तरह से हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए कुछ करें, हम अपने खुद के लिए कुछ करें। सो यस गाइज, जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ो और चलो हम सब साथ में ही एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आज का ये व्लॉग, ये एक्सरसाइज आज की खत्म करती हूँ यहाँ पे मैं और मिलती हूँ कल। स्टे ट्यून। सो आप लोग अपना ध्यान रखो और कल रेडी रहो मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए। बाय, टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।